हे गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार विचार में। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज जो मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे हिसाब से 2024 की सबसे ज़्यादा हाइप बनाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। मैं बैठा हुआ हूँ टाटा पंच ईवी के सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें वैल्यू फॉर मनी में आपको क्या मिलता है। जितनी भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं वो सारे टॉप एंड मॉडल दिखाते हैं, बट मेरे हिसाब से टॉप एंड मॉडल भी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, 360 कैमराज मिल जाते हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो है इसका एडवेंचर वेरिएंट LR। LR जो है इसका लॉन्ग रेंज का वेरिएंट है और उसी में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो अभी आपको जो है मैं एडवेंचर वेरिएंट के फीचर्स बता दूं। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं सनरूफ। देखिए, सनरूफ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फास्ट चार्जिंग लेना है तो आपको उसके 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सनरूफ आपको जो है बेसिक वेरियंट्स में नहीं आता। देखिए, इसमें तीन वेरियंट्स आएंगे, जो बेसिक है जिसमें स्मार्ट आता है, उसके बाद स्मार्ट प्लस आता है, इसमें लॉन्ग रेंज नहीं आएगी, उसमें सनरूफ नहीं आएगा, उसमें फास्ट चार्जर नहीं आएगा। उसके बाद एडवेंचर आता है, इसमें सारे जो फीचर्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट अनलॉक हो जाते हैं, उसमें लॉन्ग रेंज भी आ जाएगी, उसमें जो है आपकी फास्ट चार्जिंग भी आ जाएगा, उसमें आपको सनरूफ भी आ जाएगा। फास्ट चार्ज और सनरूफ का आपको जो है 50-50 यानी 1,00,000 रुपये और ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सनरूफ नहीं लेते तो आपको 3 इंच और ज़्यादा जगह मिल जाती है। आप हेडरूम वैसे ही देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, मैं पीछे भी बैठ के दिखाता हूँ आपको, और बहुत सारे फीचर जो बेसिक आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको जो है, आप जैसे मैंने इसे फिर से ऑन कर देते जी, सबसे पहले आपको 7 इंच की LED डिस्प्ले मिल जाएगी। जब आप टॉप एंड वेरिएंट लेंगे उसमें जो है आपको, उसे एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस कहते हैं, एम्पावर्ड वेरिएंट इससे एडवेंचर से बाद आता है, उसमें जो है आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको ये LED भी जो है वो बड़ी मिल जाएगी, डिस्प्ले बड़ी मिल जाएगा, हर्मन के ऑलमोस्ट 18 इंच है और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो भी बड़ी मिल जाएगी। मैं आपको वो भी स्क्रीन में दिखा देता हूँ। देखिए, बेसिक फीचर सबसे वैल्यू फॉर मनी में ये आपको सबसे पहली बात मिल जाएगी, पार्किंग जो है ऑटो स्विच आ जाएगी और ऑटो होल्ड आ जाएगा। अगर आप हिल स्टेशन वगैरह पे खड़े हैं, हिल स्टेशन कह रहा हूँ, पहाड़ी इलाके पे, तो जो है आपका अगर ढलान में है या चढ़ाई पे, तो अपने आप जो है वो गाड़ी खिसकेगी नहीं। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 3-4 मोड दिए, इसे इको मोड कहते हैं। इको मोड में आप देख सकते हैं 326 किलोमीटर जो है आपको रेंज मिलनी शुरू हो गई है। अभी मैं इको हटा देता हूं, ये आ गया आपका सिटी मोड। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिवेट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 292 किलोमीटर आएगा। तो इको में भी आपको काफी अच्छा पंच मिल जाएगा। इसमें जो है आपको एक अच्छी चीज ये मिलेगी कि इको मोड में भी आप 100 जो है उसको स्पीड को, मतलब 100 की स्पीड से चला सकते हैं। मैंने खुद चलाई है और पहाड़ी इलाके में भी जो है ये गाड़ी बिल्कुल भी महसूस नहीं करती कि हाँ भी ये मतलब एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये टाटा टियागो जैसी नहीं है, ये बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है। टाटा ने जो है इसके लिए स्पेशली इसे बिल्ड किया है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो फीचर्स में क्या मिल जाएगा, पहली बात तो सीट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी बेसिक सी सीट्स हैं आपको, पर आपको जो आप देख सकते हैं बैक जो है हेडरेस्ट वो भी जो है एडजस्टेबल मिलता है, फ्रंट वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ से आपका जो है बॉनेट ओपन हो जाएगा ये चार्जिंग लेट के लिए। उसके बाद ये आपका मैक्स आ जाएगा यहाँ पे, अपनी आप किस हिसाब से जो है उसे एडजस्ट करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, साथ के साथ हरमन के स्पीकर्स आएंगे, उसके बारे में आपको पता ही है। और यहाँ पे जो है आपका सनरूफ, अगर आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे आपको जो है लाइट्स मतलब शीशा मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये ग्लव बॉक्स जो है ये भी कूल्ड आएगा, तो ये चीज़ अच्छी है। देखिए, यहाँ पे कुछ रखने के लिए जगह बनी है नहीं, पर ये देखिए राइनो की बैचिंग जो कि पंच की पहचान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉब है, जब आप जैसे ही आप ब्रेक पे पैर रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है आपको क्लच नहीं होता इलेक्ट्रिक पे, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको जो है ब्रेक मिलेगी, ये रेस है, और यहाँ पे ये पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, और जैसे ही अभी लेवल जो है इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, Level 3 पे मैंने कर दिया, तो Level 3 पे है, और अगर इसे कम करना है तो आप यहाँ से इसे कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही 0 कर दिया। वैसे मेरे हिसाब से मुझे जितना बेहतर लगा वो Level 2 सबसे बेहतर है, उसके बाद जो है चलिए ये रेडियो प्ले हो गया था, आप म्यूजिक सुन ही चुके होंगे कि काफ़ी अच्छा है। और हाँ, आपको जैसे बताया इसमें Level 3 में क्या बेनिफिट होगा, जैसे आपने ब्रेक दबाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब जैसे ही आपने इसको जो ब्रेक पे से पैर हटाया ये गाड़ी स्टार्ट होगी, आपने जस्ट एक हाथ इसको यहाँ पे लगा देना है और ये जस्ट यहाँ पे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको दबाई रखिए और अपने आप ये काम करेगी। मतलब
बस इसको प्रेस करना है। तो जैसे ही इसे हटाएंगे तो ब्रेक जो है अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूज कंट्रोल इसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा, साथ के साथ वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स, यानी यहाँ पे आपको सब कुछ आ जाएगा। और ये जो है लाइट अप होता है, तो ये नई चीज़ है। अभी ब्रेक दबाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेक दबाई और एक बार ऑन दबाने के बाद जो है रेडी टू ड्राइव आ गया। उसके बाद जो है ये रिवर्स आ गया और अब बैक कैमरा भी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पार्किंग है, उसके बाद न्यूट्रल, फिर ये ड्राइव। ये जो है आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 50 लाख गाड़ियां बेच चुकी हैं अब तक टाटा, तो आप यहाँ पे स्पेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पे। मेरी हाइट जो है 5'8" है, उस हिसाब से जो है स्पेस काफ़ी अच्छा है। इस वाले वेरिएंट में तो आपको बैक पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बट अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। और हाँ, 6 एयरबैग जो है आपको मिलेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए स्पेस चेक करिए, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ से अगर सनरूफ लेंगे तो 3 से 5 सेंटीमीटर का जो है, और स्पेस काफ़ी है मेरे जैसे। यहाँ पे एक यहाँ पे बैठ जाएगा और एक वहाँ पे बैठ सकता है, तो 3 जने बैठ सकते हैं। और ये भी एडजस्टेबल है, हाँ, बस इसमें जो है आर्म रेस्ट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पे पावर विंडोज़ आपको एडवेंचर में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एडवेंचर वेरिएंट है, सबसे वैल्यू फॉर मनी स्पीकर्स के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीट्स, जो मैंने टॉप वेरिएंट देखा उसमें सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बेसिक गाड़ी होती हैं, पर जिस रेंज में आपको जो है ईवी गाड़ी मिल रही है उसके बारे में भी कह सकते हैं। तो ये है इसका बोनट, आप देख सकते हैं। ये वाली गाड़ी जो है फास्ट चार्जर के साथ आती है, इस वजह से ये चार्जर थोड़ा भारी है। वैसे फास्ट चार्जर इसके साथ आपको अलग से 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। लाइट यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें वो नहीं आएगा, आपका पंचर रिपेयरिंग किट आ जाएगी, बट इसमें जो है एक्स्ट्रा व्हील नहीं आता, टाटा के किसी भी ईवी के साथ नहीं आता। तो बूट यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई हैं। और ये हैंडल, ये बैक कैमरा आप देख सकते हैं। चलिए इसे ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो है आप इस वक्त देख रहे हैं, इस तरह की जो है इसकी मोटर आएगी नीचे के, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्पेस है। मैं भी यहाँ से नीचे से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे फ्रंक लग जाएगा, जिससे आपको बहुत भारी। तो बॉडी कलर ORVM नहीं आती, मतलब ये लग गई है, सेंसर दिए गए, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे जो है आपको जैसे मैंने बताया, आप पावर विंडोज आ जाएंगी चारों की चारों, और यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी दिया गया, इसे एडजस्ट करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 15 लाख से नीचे ईवी चाहते हैं तो टाटा पंच ईवी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई है। और इसका किसके साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं, या आप अगर जो है टॉप मॉडल देखना चाहते हैं, हमारे पास वो भी पड़ा है। और उसका ये वाला कलर जो है वाइट कलर है, वो जो है एम्पावर्ड ऑक्साइड कलर जो है हमारे पास खड़ा है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमें बताइए। तो चलिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आपके अपने चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।